Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 7 of unit number 1. So in the previous lecture basically hum baat kar rahe the full wave rectifier ki aur humne do type ke full wave rectifier discuss kiye hain, working discuss ki thi, advantage disadvantage ki center tape mein kya disadvantage hai jo ki bridge rectifier mein complete ki gayi hai, matlab पीक इनवर्स वोल्टेज को कैसे कम किया जाता है इन ब्रिज रेक्टिफायर एज कंपेयर टू सेंटर टेप। द अनदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इन दोनों के बारे में यहां पे आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर डिफाइन करने के लिए आता है तो बाय डिफॉल्ट फुल वेव रेक्टिफायर इज द ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। तो ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग डिफाइन कीजिएगा, सेंटर टेप जब पूछा जाए तभी सेंटर टेप डिफाइन किया जाता है, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर जैसा कि हमने हाफ वेव में ड्राइव किए थे व्हाट आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, वही सेम चीज हम यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ड्राइव करेंगे। डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स लाइक एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर एंड रिपल फैक्टर, तो ये सभी पैरामीटर्स हम इस लेक्चर में वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर्स। सो फुल वेव रेक्टिफायर, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि परफॉर्मेंस पैरामीटर हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर मेरे लिए दोनों ही हैं, सेंटर टेप भी ब्रिज भी। तो यहां पे ब्रिज या सेंटर टेप की वर्किंग में जो डिफरेंस है वो अपनी जगह पे चला गया, मेनली वर्किंग में भी क्या डिफरेंस है, ओनली बेस्ड ऑन पीआईवी, राइट। बट उसके बाद जो हमें परफॉर्मेंस पैरामीटर ड्राइव करने हैं वो डिपेंड करते हैं इस आउटपुट वेव फॉर्म पे, और फुल वेव में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है फॉर कंप्लीट हाफ साइकिल, यानी कि पॉजिटिव हाफ के लिए भी हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है और नेगेटिव हाफ के लिए हमें भी आउटपुट वोल्टेज मिलती है। तो अगर अब मुझे इस पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज के लिए परफॉर्मेंस पैरामीटर ड्राइव करने हैं, सो व्हाट इज माय फर्स्ट पैरामीटर? जी हां, फर्स्ट पैरामीटर होता था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इफ यू रिमेंबर हमने हाफ वेव में भी ड्राइव किया था। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर्मूला? हमने पढ़ा था कि एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/T 0 to t i ऑफ d थीटा। व्हाट इज t? तो एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल, आउटपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए डिटरमाइन किया जाता है। अब अगर यहां पे आउटपुट देखें तो ये अपने आप में कंप्लीट साइकिल है ना, अप टू हियर, उसके बाद तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। सो दैट मींस 0 to pi में अब की बार अपने आप ही साइकिल कंप्लीट हो रही है। सो व्हाट इज माय टाइम पीरियड? माय टाइम पीरियड इज 0 to pi। व्हाट इज द इंटीग्रेशन टाइम पीरियड? 0 to pi। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? i इज im sin ऑफ थीटा। सो बेसिकली इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, इसके अंदर तो केवल एक ही साइकिल है और जिसका टाइम पीरियड क्या है, 0 से pi। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई द फॉर्मूला कि एवरेज वैल्यू, जिसे हम डीसी वैल्यू बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/pi 0 to pi i ऑफ t थीटा। अब i की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए बाय im sin थीटा। im आपका बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट 1 है तो बाहर हो गया im/pi, और sin थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है, दैट इज बिकम माइनस ऑफ cos थीटा। इस पर लिमिट अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द फॉर्मूला 2im/pi। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर? दैट इज idc इज इक्वल टू 2im/pi। जबकि वहीं पे अगर आपको हाफ वेव याद हो तो हाफ वेव में हमने जो वैल्यू ड्राइव की थी वो आई थी im/pi। तो इन केस ऑफ फुल वेव दिस इज 2im/pi। अब मैं यहां पे एक और चीज आपको बता दूं, हमने दोनों ही केस में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ड्राइव करी है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्राइव करो, राइट, या आपको कहीं पे फॉर्मूला लगा के एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना हो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी सेम टू सेम इसी मैनर में ड्राइव होगी। जहां पे हमने i लिखा है वहां पे आप v लिख दीजिए, v की वैल्यू हो जाएगी vm sin थीटा, vm आपका कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, sin थीटा इंटीग्रेट होके cos थीटा, cos थीटा से वैल्यू बनेगी 2, राइट। सो सेम केस में आप ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2vm/pi। तो हम यहां ड्राइव नहीं करते हैं, बट ये मैं उस केस के लिए बता रहा हूं कि अगर आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ना पूछ के कहीं पे क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाए, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर क्या होती है वो ड्राइव कीजिए, तो दिस नथिंग न्यू, यही सेम प्रूफ है, आप एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट असेसमेंट पैरामीटर इज RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो RMS वैल्यू हमने कैसे ड्राइव की थी? द फॉर्मूला इज 1/t 0 to t i स्क्वायर d थीटा। नाउ व्हाट इज द t ओवर हियर? क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में एक कंप्लीट साइकिल है जिसका टाइम पीरियड है 0 से pi, तो t की वैल्यू हो गई pi, t की वैल्यू हो गई pi, जस्ट रिप्लेस द फॉर्मूला, कैलकुलेट द वैल्यू, राइट। कैलकुलेट कैसे करनी थी? i स्क्वायर की जगह हमने पुट किया im sin थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, i स्क्वायर कॉमन बाहर चला गया, sin स्क्वायर थीटा को हमने लिखा था 1 - cos 2 थीटा / 2, ये बाय 2 बाहर चला जा चुका है तो इसलिए यहां पे अंदर नहीं लिखा हुआ 2, बट sin स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 थीटा / 2, राइट। सो 2 आपका बाहर लगा हुआ है,
राइट। तो सेम बेस पे अगर आपने हाफ वेव सॉल्व किया तो ये तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, इट बिकम थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू। तो यहाँ पे थीटा में जो आप लिमिट पुट करेंगे तो पाई बचेगा, और जब साइन में लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऑफ टू पाई बनेगा, राइट। साइन ऑफ टू पाई क्या होता है, जीरो, और लोअर लिमिट में साइन जीरो बनेगा वो भी होता है जीरो। तो साइन टू पाई माइनस साइन जीरो, ये वाला कंपोनेंट आपका पूरा जीरो हो जाएगा। इस थीटा की वजह से यहाँ पे अंदर वैल्यू बच जाएगी पाई, और ये पाई वैल्यू इस पाई वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगी। तो I square RMS की वैल्यू होगी IM square by 2. So what is the value of IRMS? IRMS is IM by root 2. जबकि यही वैल्यू, if you remember in the half wave rectifier, this is equal to IM by 2, right? So half wave, full wave, दोनों केस में कैसे ड्राइव करना है? डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, बस केवल फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे चेंजिंग होती है टाइम पीरियड की। हाफ वेव में टाइम पीरियड फुल साइकिल के लिए 0 टू 2 पाई चलता है, फुल वेव के अंदर केवल टाइम पीरियड 0 से पाई चलता है। And once I calculate these two values, उसके बाद जो बचे हुए पैरामीटर्स हैं वो तो केवल इन्हीं दो वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, तो वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या था, दैट इज एफिशिएंसी। जी हाँ, हाफ वेव की एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी 40.6। ड्राइव कैसे करते हैं एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। व्हाट इज द आउटपुट पावर, दैट इज डीसी पावर। व्हाट इज द इनपुट पावर, दैट इज एसी पावर। तो डीसी पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था, आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल, क्योंकि लोड रेजिस्टर के क्रॉस कैलकुलेट होती है। और एसी पावर हमने लिखा था आई स्क्वायर आरएमएस आरएफ प्लस आरएल, वेयर आरएफ इज व्हाट, आरएफ इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, या यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। So the formula of efficiency become eta is equal to output DC power divided by input AC power, जहां मैंने आपको बताया था यहीं पे लिख लीजिएगा RF is much much less than RL या RL is much much greater than RF, तो आपका ये resistance यहीं पे neglect हो जाते हैं कि RF RL के respect में neglect हो जाएगा, तो RL से RL cancel out हो जाएगा, and the ratio, this efficiency ratio depends on only and only I square DC divided by I square RMS. राइट right? तो आई स्क्वायर डीसी मुझे पता है दिस इज 2 आई एम 1 पाई होल स्क्वायर, आई स्क्वायर आरएमएस आई एम स्क्वायर बाय 2, दोनों वैल्यू यहां पुट करी, दिस टाइम आई गॉट द रेशियो 8 अपॉन पाई स्क्वायर, एंड 8 अपॉन पाई स्क्वायर सेज 81.2%। तो इफ यू रिमेंबर हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी थी 40.6, यहां पे 81.2, तो दैट इज जस्ट डबल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यही हमने थ्योरेटिकली भी देखा है वेव फॉर्म के अंदर भी, कि हाफ वेव केवल हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट वोल्टेज देता है, जबकि फुल वेव कंप्लीट साइकिल यानी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इनपुट साइकिल के लिए हमारे लिए आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है। तो दैट्स व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव बिकम्स डबल ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर था हमारे पास फॉर्म फैक्टर। जी हाँ, फॉर्म फैक्टर कैसे डिफाइन होता था, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पे आई आई एम बाई रूट टू, एवरेज वैल्यू आई है 2 IM अपॉन पाई, जस्ट पुट द वैल्यू, कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 1.11। नेक्स्ट पैरामीटर इज पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय द आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू एज इट इज, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी आई एम बाय रूट टू, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, दैट इज रूट टू इज द पीक फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा था, दैट इज रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय, अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको हाफ वे में बता चुका हूं कि रिपल फैक्टर का ये फॉर्मूला आया है, बाकी तो अदर फैक्टर के भी हमने कोई फॉर्मूले ड्राइव नहीं किए। यू कैन डायरेक्टली लर्न दिस फॉर्मूला बिकॉज जो लास्ट ईयर पेपर में प्रोड्यूस हुआ था कि आपको रिपल फैक्टर दोनों ही केस के लिए ड्राइव करना है, हाफ वेव एज वेल एज फुल वेव। तो हाफ वेव में हमने ड्राइव किया था, सेम फॉर्मूला अब यहाँ फुल वेव में अप्लाई कर देते हैं। चेंजेस क्या होने, चेंजेस होने केवल आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की वैल्यू आई एम बाई रूट टू है, एवरेज वैल्यू यहाँ पे 2 IM अपॉन पाई है, जस्ट पुट द वैल्यू, कैलकुलेट दिस वैल्यू, आपको रिजल्ट मिलेगा 0.482। सो दिस इज द रिपल फैक्टर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इफ आई समराइज ऑल दीज पैरामीटर्स, तो यहाँ पे पूरे पैरामीटर्स की समरी क्या निकल के आएगी, कि रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 0.482, पीक फैक्टर डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1.11। और उससे पहले ये दो फैक्टर्स तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो ड्राइव करने हैं, एवरेज वैल्यू दिस इज 2 IM अपॉन पाई, एंड आरएमएस वैल्यू दिस इज IM बाय रूट 2। तो इन्हीं दो वैल्यू से बाकी सारे फैक्टर्स आपके ड्राइव होते हैं एज वेल एज efficiency, that is 81.2%, right? और पीक इनवर्स वोल्टेज वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि पीक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर के केस में फुल, यहां पे पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज के बराबर ही होती है,
right? So these are the all parameters in case of full wave rectifier. So after doing this lecture, I can surely say that आप अपने full wave या half wave पे कोई भी question बनता है, कोई भी parameter आपसे drive करवाता है, कोई भी value drive करने के लिए आती है, so you can easily drive by listening these lectures on based on rectifiers. अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है और इस पे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है, दैट इज कॉल्ड क्लिपर. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.